स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है फॉर 10th क्लास के लिए. द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 54. अर्थमेटिक मीन जो दिया हुआ है वो कितना है 54. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. पी की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसमें हमने मिड वैल्यू निकाली. मिड वैल्यू निकालने पी की वैल्यू निकालने के लिए मिड वैल्यू निकाली जिसको कि एक्स आई से डिनोट करते हैं. मिड वैल्यू कितनी आ गई 10, इसकी 30 आ गई. कैसे निकालते हैं 20 प्लस 40 60 अपॉन 2 40 प्लस 60 अपॉन 2 50. ये हो गई. ऐसे भी निकाल सकते हो और वो वाला मेथड से भी निकाल सकते हो. 140 बटा 2 70, 180 बटा 2 90. ये सीधी भी निकल सकती है और उस तरह भी निकल सकते हैं. आगे क्या है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 50. 50 क्या दिया हुआ है, हमने एज्यूम्ड मीन लिया है. ठीक है, एज्यूम्ड मीन हमने कितना लिखा है 50. डीआई में से डीआई किसके बराबर है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्स आई माइनस 50. एक्स आई माइनस 50 ये 40 आ गया, ये कितना आ गया 20, ये 0, फिर 20, फिर 50 में 70 माइनस 50 20 आ गया, 90 माइनस 50 40 आ गया. ये हमारे पास डीआई आ गई. उसके बाद है यूआई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस फिफ्टी अपॉन 20. ये 20 कहां से आया, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरवल, क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो है इनमें कितना है 20 20 का, सब में 20 का डिफरेंस है. इससे 20 से हमने डिवाइड कर देना है. किसको, इसको माइनस 40 को 20 से डिवाइड किया माइनस 2 आ गया, माइनस 20 को 20 से डिवाइड किया माइनस 1 आ गया, यहाँ पे 1 और ये 2 आ गया. उसके बाद क्या करना है हमने, एफ आई इंटू यू आई. अब किस एफ आई कहाँ पे है, ये रही और ये यू आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. माइनस 14 फिर माइनस पी, फिर कितना आया 0 हो गई. यहां पे पी और यहां पे 0, यहां पे कितना आया 926. अब हमारे पास क्या है, ये n है. ठीक है, एज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया है 50 और n कितना है 39 प्लस पी, ये हमारे पास है. एच कितना है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है 20 का, 20. ठीक है, उसके बाद एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई कितने किसके बराबर है, इसका हमने टोटल किया है 26 9 35 35 में से 14 गए, 21 सॉरी माइनस किया 21 माइनस पी, ये हमारे पास आ गया सिग्मा एफ आई यू आई. ओके, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 21 माइनस पी, ये आ गया. उसके बाद हमें उस क्या दिया हुआ है, मीन इज इक्वल टू 54 जिसको के एक्स एक्स बार से डिनोट किया है. हम फार्मूला लगाएंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस मीन, मतलब मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन किसके है एन, ये जो है इनटू एच. एच कितना है, एच इज इक्वल टू 20. ओके, अब ये कितना है एक्स बार, उसने कितना लिया हुआ हमें 54. ये देखो एक्स बार किसके बराबर है, मीन 54 के, ये 50, ये प्लस 21 माइनस पी बटा 39 जमा पी इंटू एच कितना है 20. 54 में से 50 माइनस किया 4 इज इक्वल टू 21 माइनस पी बटा 39 जमा पी गुना 20. ये हो गया. अब क्या है, ये इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4/20 बराबर 21 माइनस पी बटा 39 जमा पी. 1/5 हो गया,
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दू, 39 प्लस पी इज इक्वल टू 5, 21 माइनस पी, ये आ गया 39 प्लस पी इज इक्वल टू 105 माइनस 5 पी, ये हो गया ना। अब 105 में क्या करेंगे, ये माइनस 5 पी है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा 6 पी इज इक्वल टू, 39 उधर चले जाएगा 5 पी इधर आ जाएगा, ये देखो पी प्लस 5 पी इज इक्वल टू 105 माइनस 39, 6 पी आ गया इज इक्वल टू 66, पी इज इक्वल टू 66 अपॉन 6, पी की वैल्यू कितनी आ गई 11, ये हमें उसने अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है और पी की वैल्यू निकालने के लिए दी है, पी हमारा 11 आ गया। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूल।